हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी का नाम है बैगन का भरता। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे रोटी और पराठे के साथ खाया जाता है। इसके बनाने के मेथड भी बहुत इजी है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक्स एंड कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं। भरता बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बैगन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। उसमें मैं 2 प्याज, 1 लहसुन की गांठ और 2 लाल मिर्च डालूंगी। बैगन को चारों तरफ से चेक कर लेंगे कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है। अब मैं इसमें जीरा लगाऊंगी। इसमें 1 जीरा लगाऊंगी और उसके अंदर मैं 1 लहसुन की कली को डालूंगी। जीरा मैंने लगा दिया है, मैंने चेक भी कर लिया है, अंदर कीड़े नहीं हैं। अब मैं इसमें 1 कली लहसुन की डाल दूंगी। ऐसे करके मैं दूसरे बैगन में भी चीरा लगा करके मैं उसमें 1 लहसुन की कली को डाल दूंगी। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं बैगन को पकाने के लिए। गैस पे मैंने बैगन देखिए पकने के लिए रख दिया है। मैं 3 बैगन पका रही हूँ। बैगन आधा से अधिक पक गया है। अब मैं इसे पलट दूँगी। देखिए फूल गया बिल्कुल अंदर से। देखिए मैंने चाकू के सहारे इसको पलट दिया है। मैंने इसकी डंडी को नहीं काटा है, इसके पलटने में बहुत आराम रहता है। देखिए इसको भी मैं पलट रही हूँ। भरते का तड़का तैयार है। 2 टमाटर काट लिया है, 2 प्याज, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी धनिया, अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अब मैं बैगन की तरफ चलती हूँ। बैगन पक गए हैं, देखिए अच्छी तरह से पक गया है। अब मैं इसकी डंडी को काट करके निकाल लूँगी। एक एक करके मैं डंडी को काट लूँगी। 3 बैगन के डंडी को मैं निकाल दूँगी। देखिए कितने अच्छी तरह से पक गया है और इसकी डंडी भी आराम से निकल जा रही है। अब मैं एक बर्तन में ठंडा पानी लूँगी, उसमें मैं बैगन को डाल दूँगी। एक एक करके मैं 3 बैगन को डाल दूँगी। इससे बैगन आराम से छिलका उतर जाता है। अब मैं इसके छिलके को उतार लूँगी। देखिए कितना आराम से इसके छिलके उतर रहे हैं, अपने आप बाहर आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बैगन के छिलके को उतारने के लिए। ऐसे करके मैं 3 बैगन को छील लूँगी, उसके छिलके को उतार लूँगी। चलिए मैंने इसको छील लिया है। अब मैं इसको चेक करूँगी, अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेते हैं। चारों तरफ से इसके छिलके को निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में रख लूँगी और अब मैं इस पर चेक कर लूँगी कहीं इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं हैं। मैं इसको अच्छी तरह से खोल लूँगी, टुकड़े टुकड़े करके मैं इसे चेक कर लूँगी। बिल्कुल साफ़ है, इस पर कोई कीड़े नहीं होते हैं। लहसुन अंदर इसलिए डालते हैं कहीं कोई कीड़े उगड़े ना हो। तो चलिए फिर अब बैगन को तैयार कर लेते हैं। 3 बैगन को मैंने छील के चेक कर लिया है, बैगन बिल्कुल साफ़ है। अब मैं गैस की तरफ चलती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल है। अब मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को मैं सॉटे कर लूँगी और साथ में मैं 2 हरी मिर्च तोड़ करके डाल दूँगी। प्याज को हम सॉटे कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज करेंगे। इसको मुझे गुलाबी नहीं करना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन ग्रेट किया हुआ डालूँगी। इसको भी मैं भून लूँगी, मुझे ज़्यादा नहीं भूनना है। ये भी अच्छी तरह से भून गया है। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर डाल करके इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून में गरम मसाला डालूँगी। इन सबों को मैं अच्छी तरह से आपस में मिला लूँगी। नमक मैंने डाल दिया है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए टमाटर पक गया है, आपस में मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें
बैंगन डाल दूंगी। बैंगन डाल करके मैं इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, मसाला बैंगन आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दूंगी। इसको भी मैं अच्छी तरह से भरते में मिला दूंगी। इसको बराबर चला करके अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल दूंगी, इसको भी मैं मिला लूँगी। धनिया चारों तरफ से अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें 1/2 नींबू निचोड़ करके डाल दूँगी, जिससे थोड़ा भरता खट्टा हो जाएगा, खाने में अच्छा लगेगा। देखिए नींबू भी मैंने निचोड़ दिया, भरता तैयार हो गया है। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। इसे मैं सर्विसिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। चलिए अब इसे गार्निशिंग करती हूँ। ऊपर से थोड़ी हरी धनिया डाल देंगे। नींबू तो मैंने डाल ही दिया है। भरता बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चटपटा बैंगन का भरता बन के तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी ट्राई कीजिए, पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।